अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ बैठे हैं अपने इम्तियाज़ भाई, पाकिस्तान से हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो अभी हम लोग इनके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने जा रहे हैं। ये देखें, यूई करेंसी दिरहम्स 2000 दिरहम माशाल्लाह कार्ड में पेमेंट करने जा रहे हैं जी। पूरा 2000 है? 2000 मतलब पाकिस्तानी 87,000 सिर्फ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं। सोच ले कि इनकी इनकम कितनी होगी। इम्तियाज़ साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? मैं जी इस्लामाबाद से हूँ। ठीक है। बाय बर्थ इस्लामाबाद से ही हैं। ठीक है। 69 से इस्लामाबाद में सेटल हैं। बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो है वो सियालकोट से हैं। अच्छा। बट कहते हैं माइग्रेट करना, 68 में इस्लामाबाद में आ गए थे, तब से इस्लामाबाद में ही है। तो यूई में कब आना हुआ और कैसे आना हुआ ये बताएं। यूई में दो दफ़ा आया हूँ। अच्छा जी। एक में 2012 में आया था, 2010 से लेके 10 में आया था, और अभी मैं दोबारा से 2018 में आया हूँ। अच्छा जी, आपका एहसान है यूई के ऊपर। बस जितना दाने पानी था खा लिया है यहाँ पे। क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको यूई में? यूई का मैं बताऊं, ये अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हर बंदा इसी के पीछे भागता है, तो यही अच्छा लगता है। मतलब पैसे कमाने यहाँ पे आपको अच्छा लगता है? दिरहम्स जारी बात है भाई, यहाँ पे और किस लिए आया बंदा? फैमिली के लिए? इसके अलावा और क्या चीज़ आपको पसंद है यहाँ पे? बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है यूई में? जैसे कि आप अबू धाबी में रहते हो, अबू धाबी में आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो लगता है वो इसकी एनवायरनमेंट है। हर वक्त हवा चलती रहती है अबू धाबी में हर वक्त हवा। एज कम्पेयर दुबई? बिल्कुल ठीक है। ये कंजेस्टेड नहीं है, दुबई कंजेस्टेड है। ठीक है। अब एज कम्पेयर दुबई अबू धाबी बहुत खुला बनाया हुआ है, रोड्स खुली हैं। ठीक है। ग्रीनरी एरिया यहाँ पे ज्यादा है, मतलब खुला बहुत बनाया हुआ, कंजेस्टेड नहीं है, हवा हर वक्त चलती रहती है, गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे अकोमोडेशन तो जहाँ भी लो वो तो महंगी है, चाहे अबू धाबी है चाहे दुबई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अबू धाबी में अकोमोडेशन एज कम्पेयर दुबई के सस्ती है बिल्कुल ऐसे। बट जब हम लोग अपने करेंसी के जो अपने मुल्क की करेंसी उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिन में तारे नजर आते हैं। हाँ ये तो है, डेफिनेटली इतना फर्क तो होगा। बिल्कुल, इनका एक दिरहम में हमारे कभी 42 चला जाता है, कभी 45 चला जाता है, उस तरह कन्वर्ट करें तो फिर हमें समझ राउंड मार कहेंगे, राउंड मार कहेंगे। अच्छा, रोशनी खली वली दी। उसके अलावा और क्या पसंद है आपको अब दिल में? अपने अबू धाबी में कौन कौन सी जगह विजिट की है? यास मॉल आप गए हो यार, मेरे साथ गए हो आप, बीच पे मेरे साथ गए हो। मैं बीच पे जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बीचेस पसंद है आपको? खुली हवा, पानी का शोर, एक बंदे को एक वहाँ का माहौल। नहीं, माहौल को मैं कंसिडर नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी ये कहता हूँ कि पानी का शोर, हवा, वो एक माहौल आपको बहुत अच्छा है कि वो क्या है उसको बोलते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पे। बंदे ने कपड़े भी कम पहने होते हैं, खुला महसूस होता है, हवा भी अच्छी लगती है। जारी बात है, कपड़े कम पहने तो हर तरह से हवा ही लगती है। अबू धाबी की कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? मॉस्क। कौन सी मॉस्क? शेख जायद मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क। हाँ, वो तो वाकई बहुत अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसमें कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है।
ठीक है जी, सबसे बड़ा कारपेट वाला। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट अबू धाबी की शेख मस्जिद में पड़ा हुआ है, बगैर किसी कट के एक ही पीस पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा वो जो जहाँ पे अबू धाबी में फ्लैग लगा हुआ है बड़े वाला, वो जगह कैसी है? अक्सर औकात वहीं पे बैठा होता हूँ। सबसे जो मेरी फेवरेट प्लेस है या मेरी फेवरेट जगह जो, या मैं सबसे ज़्यादा अबू धाबी में अगर किसी जगह पे जाता हूँ तो वो मरीना के बिल्कुल साथ, अबू धाबी मरीना के साथ एक फ्लैग वाली जगह है, वहाँ पे अबू धाबी थिएटर भी है, तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से बिल्कुल सामने पूरे अबू धाबी का व्यू है, वो मेरी सबसे फेवरेट जगह है। अक्सर औकात वहीं पर रात को जाके बैठता हूँ, रिलैक्स, बहुत रिलैक्स फील करता है बंदा, सिर्फ पानी का शोर, ना गाड़ियाँ ना बंदे ना कुछ। हाँ, क्योंकि वो जगह थोड़ी अभी है सिटी से बिल्कुल अबू धाबी के ऑपोजिट है, तो वहाँ पे ट्रैफिक का शोर नहीं होता, बाकी जो यहाँ पे सिटी के अंदर शोर होता है डिफरेंट किस्म का, तो वहाँ पे ये शोर नहीं होता। तो जब भी अगर आप लोग में रिलैक्स करना है, अगर आप अबू धाबी में रह रहे हो तो टेंशन रिलीज करने सीधा वहाँ पे चले जाओ। अच्छा, टेंशन वो वाली रिलीज नहीं करनी जो अक्सर औकात गाड़ियों के ऊपर जो कार्ड लगे होते हैं। यू मीन के मैसेज वाले? हाँ, एक ये चीज मैंने नोट की है कि आप अबू धाबी में कहीं पे भी गाड़ी खड़े करोगे विद इन 5 सेकंड आप खड़ी करके जाओगे, वापस आओगे, आपके शीशे के साथ एक कार्ड पड़ा होगा मैसेज कार्ड, चाहे दुबई है चाहे अबू धाबी है, सेम काम होता है यहाँ पे। अच्छा, आपको अबू धाबी के मॉल कैसे लगे? मॉल तो आपने विजिट किए, मेरे साथ भी विजिट किए, बताएं जरा मॉल के बारे में। अच्छे हैं, हर किस्म का ब्रांड है। बहुत बड़े बड़े मॉल है यहाँ पे अबू धाबी में, बहुत बड़े बड़े मॉल है, और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे हैं। ठीक है, और आई थिंक हर किस्म की शॉप्स होती हैं, कपड़े घर का हर सामान, लेकिन थोड़ी महंगी होती है मेरे ख्याल में एज कम्पेयर ब्रांडेड चीज़। जो भी शॉप्स बैर होती है मॉल के बैर जो शॉप्स होती है रोड के ऊपर, अगर आप उनके साथ कंपेयर करो तो आपको मॉल के अंदर थोड़ी प्राइस हाई मिलेगी, लेकिन क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स हैं तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी वाइज अच्छी। हम यहाँ पहुँच गए जी क्रेडिट कार्ड मशीन के पास, अभी पैसे जमा कराते हैं फिर वापस निकलेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं गाड़ी में लाइन में लग जाऊँ ताकि मैं गाड़ी में बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।